नमस्कार, सैन हेल्थ लाइफ पर आपका फिर से स्वागत है। इन दिनों मौसम तो काफी खुशगुवार है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम हम लोगों को पूरे साल रहती है, जो वैसे हमारे को लगती आम सी है, लेकिन उनके कॉजेज रीजंस काफी सिवियर भी हो सकते हैं, वो है प्रॉब्लम सिरदर्द यानी हेडेक की। चलिए आज बात करते हैं डॉक्टर शमशेर द्विवेदी से, जो है चेयरमैन न्यूरोसाइंसेस एंड डायरेक्टर क्लिनिकल सर्विसेज विमहंस नयति हॉस्पिटल के। डॉक्टर द्विवेदी, वंस अगेन वेलकम टू द शो एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक्स वैशाली जी, एंड इट इज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू फैम हेल्थ। जी डॉक्टर द्विवेदी, हेडेक जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला कि बहुत मामूली से लेके काफी सिवियर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हमारी जो पेन की क्षमता है उसको लेके। क्या इनके रीजंस और इनकी जो जड़ है, आर दीज आल्सो वेरी वेरी वेरीड, एंड क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सरदर्द एक तरह का प्रकृति का दिया हुआ वार्निंग सिस्टम है। सरदर्द अपने में कोई बीमारी नहीं है, एक लक्षण है जो कई बीमारियों का वार्निंग सिग्नल हो सकता है। और प्रकृति हमें दर्द शरीर में, सरदर्द या शरीर के किसी अंग में दर्द या बुखार, ये सारे वार्निंग सिस्टम्स देती है, जिससे कि आपको पता चल सके कि कुछ गड़बड़ है और उसके हिसाब से आप एक्शन ले सके। अब सरदर्द एक ऐसा सिम्टम है जो क्लिनिकल मेडिसिन यानी जो चिकित्सक हैं उनके लिए बुखार, सरदर्द, ये दो और चक्कर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं। ज्यादा अगर हम पूरे सिम्टम्स की लिस्ट देखें तो उसमें सरदर्द एक बहुत ही साधारण कॉमन सिम्टम है और ये एक बहुत छोटी सी परेशानी की वजह, जैसे रात को नींद नहीं आई, देर से खाना खाया, आपने पानी नहीं पिया है, इससे भी सरदर्द हो सकता है और ब्रेन ट्यूमर से भी सरदर्द हो सकता है। तो आज हम ये पहली बात समझेंगे कि सरदर्द हो तो आप ये समझ लें कुछ गड़बड़ी हुई, और अगर गड़बड़ी साधारण किसी कारण से है या कोई असाधारण कारण है जो कि बहुत सीरियस हो सकता है, इसमें हम भेद करने का एक दर्शकों को तरीका बताएंगे जिससे उन्हें ये समझ में आ जाए कि ये सरदर्द जो है अब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो पहले तो ये समझिए कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने सरदर्द अनुभव नहीं किया होगा। कभी कभार जैसा मैं बता रहा था, अभी नींद पूरी नहीं हुई, खाना समय पर नहीं खाया, बहुत किसी वजह से मेंटल स्ट्रेस में है, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस भी है, नींद भी पूरी नहीं है हो रही है, वो भी एक सरदर्द का कारण हो सकता है। तो ये एक साधारण सरदर्द यदा कदा कभी कभार ओकेजनली हम सबों को होता है, लेकिन वो एक या दो दिन में समाप्त भी हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सरदर्द हैं जो इस बात का सूचक होते हैं कि ये परेशानी जो है ये एक सीरियस इशू, और उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि अगर आप अपने से ये प्रश्न पूछें या मरीज से प्रश्न पूछें कि क्या ये सरदर्द आपके जीवन का सबसे भयंकर सरदर्द है, अगर उत्तर है हाँ, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ी है। ये एक पहला प्रश्न कि क्या ये सबसे भयंकर दर्द है आपके जीवन का। दूसरा, क्या सरदर्द ने आपको नींद से जगा दिया। यूजुअली सरदर्द दिन के वक्त होता है जब आप जागृत अवस्था में, लेकिन अगर ऐसा सरदर्द हो जो आपको नींद से उठा दे, इसका मतलब कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। तीसरा, अगर आपका सरदर्द हुआ और वो परसिस्ट कर रहा है, वो लगातार बना हुआ है, तो इसका मतलब कोई ऐसा कारण है जो लगातार बना हुआ है, एक या दो दिन में ठीक नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर मान लिया कि 5-7 दिन से ऊपर सरदर्द रह जाए
तो आपको एक चिकित्सक से मिलना चाहिए ये समझने के लिए कि ये सरदर्द किस वजह से हो सकता है। चिकित्सा हो सकता है, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेडीज हैं उनको यूरिन इन्फेक्शन फ्रीक्वेंटली होता है। यूरिन इन्फेक्शन, सिंपल एक यूरिन इन्फेक्शन भी हेडेक का कारण हो सकता है। आपके हो सकता है दांत में इन्फेक्शन है, आपको समझ नहीं आ रहा है, वो एक हेडेक का कारण हो सकता है। लेकिन हाँ, 5-7 दिन से ज्यादा अगर सरदर्द बना हुआ है तो उसमें देखने की आवश्यकता है कि क्योंकि ज्यादातर जो ऐसे सरदर्द के कारण है जो खतरनाक नहीं है वो 24-48 घंटे में सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर वो सरदर्द बना रहे इसका मतलब उसका कारण ढूंढने की आवश्यकता है और उसका इलाज निदान भी करना जरूरी है। अब तीसरी जो चौथी चीज जो आपको मरीज को अपने से या आपको मरीज से पूछनी चाहिए वो ये कि सरदर्द के अलावा क्या मरीज में, उस इंसान में जरूरत से ज्यादा गफलत में रहना, जरूरत से ज्यादा नींद आना, बोली में लड़खड़ाहट, जुबान जो है वो ठीक से बोल नहीं पा रही है, चलने में लड़खड़ाहट, हाथ पैर का ठीक से काम ना कर पाना, नजर देखने में परेशानी होना, ये भी एक ऐसे साइन है जो बताते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ अंदर भयंकर हुआ है जिसकी वजह से ये लक्षण आ रहे हैं। अगर जो अभी लक्षण मैंने बताए हैं वो इस बात का सूचक है, इंडिकेट करते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, जो अभी लास्ट में मैंने कुछ लक्षण बताए। इसके अलावा कई लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, जिनको कई ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जिनके वजह से, जैसे बहुत तेज रोशनी, बहुत देर तक खाना नहीं खाया, धूप में चले गए, चीज चाइनीज चॉकलेट ये सब खा लिया, इसके वजह से उनको माइग्रेन का अटैक होता है। और वैसे मरीज जो है वो जानते हैं कि माइग्रेन के अटैक, हर मरीज को ये पता होता है कि ये वाला जो अटैक है ये मेरे माइग्रेन का अटैक है और ये मुझे सालों से हो रहा है। लेकिन अचानक उसी मरीज में अगर एक भिन्न प्रकार का, एक डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक कम्स अप, एक दूसरा हेडेक शुरू हो जाए जो पिछले हेडेक से डिफरेंट है अपने नेचर में, कैरेक्टर में, तो ये एक रेड फ्लैग है, ये एक लाल झंडी है, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ए न्यू टाइप ऑफ हेडेक, एक नई वैरायटी का हेडेक अगर शुरू हो जाए, और तो मरीज सबसे अच्छा जज होता है, उसे समझ आ जाता है कि नहीं, ये सरदर्द जो है ये वो सरदर्द नहीं है जो मुझे हुआ करता। उसके बाद अगर सरदर्द के साथ आंख लाल हो जाए या आंख की पलक जो है वो बंद होने लगे या कनपट्टी, जिसको हम टेम्पल कहते हैं, कनपट्टी पे अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो पेन करने लगे, दबाने पे दर्द करने लगे, तो भी ये साइन है। अगर सरदर्द के साथ कनपट्टी पे पेन हो रहा है, कोई पॉइंट टेंडर है, वो टेंडर पॉइंट अगर है या आंख लाल हो गई है या आंख की पलक बंद हो रही है, ये सारे साइंस है और दीज आर द डेंजर सिग्नल्स, आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना ही जाना है। मैंने आपको वो लक्षण बताया जिन लक्षणों को देख करके आदमी को चिकित्सक के पास जाना चाहिए। डॉक्टर यदि आप चिकित्सक की बात कर रहे थे और न्यूरोलॉजिस्ट की बात कर रहे थे, माइग्रेन हेडेक्स के लिए या हेडेक्स के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं और डू वी गो टू, बिकॉज यू कुड एक्चुअली इवन गो, अगर आप ENT के पास भी जा सकते हैं, आप आँखों के डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, तो क्या हम खुद बता सकते हैं कि किस डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए टू अवॉइड गोइंग टू मल्टीपल डॉक्टर्स, इफ वी नो कि किस तरीके का पेन हो रहा है? माइग्रेन का हेडेक जो होता है यूजुअली 11-12 साल से लेकर के 40 साल के भीतर होता है और ज्यादातर जो है वो टीन एज, यानी 15 से 25 के बीच ज्यादातर को होता है। लेकिन अगर हेडेक्स पहली बार किसी को जीवन में हो और उसकी उम्र 50 से ज्यादा है तो माइग्रेन डायग्नोज करने के पहले एक सीटी स्कैन कराना चाहिए। एनी हेडेक अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द एज ऑफ 50 हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड बिफोर लेबलिंग इट एज माइग्रेन, बिकॉज
जो यूजुअल एज ब्रैकेट है उसके बाहर है वो मरीज। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि ये एज ब्रैकेट जो है वो उस माइग्रेन के कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। 50 के बाद का हेडेक माइग्रेन ज्यादातर नहीं होगा, लेकिन 45 से लेके 15 से 45 के बीच में अगर हेडेक है तो वो हो सकता है माइग्रेन हो। माइग्रेन हेडेक के जो कैरेक्टर्स हैं, एक तो वो उसमें थ्रॉबिंग होती है, जैसे दिल की धड़कन ठक 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 ऐसे करती है, वैसे ही उस दर्द भी जो होता है वो दिल की धड़कन की तरह थ्रॉबिंग होता है। दूसरा पल्सेटिंग हेडेक होता है। दूसरा माइग्रेन के हेडेक में यूजुअली नौसिया होती है। नौसिया मतलब उल्टी ना भी हो लेकिन मतली आती है, ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाए। तीसरा कुछ लोगों को माइग्रेन हेडेक शुरू होने के पहले अचानक उनको अपने नजर में विजुअल फील्ड में लकीरें काली काली दिखने लगती हैं, अचानक धुंधली हो जाती है नजर, उसके बाद सर दर्द शुरू होता है, थ्रॉबिंग होती है, वॉमिटिंग होती है और रोशनी और आवाज खास करके बहुत बुरी लगती है उस समय। किसी भी प्रकार की आवाज या रोशनी वो बुरी लगती है, लेकिन माइग्रेन का हेडेक यूजुअली 24 घंटे के भीतर सेटल हो जाता है। अगर हेडेक 24 घंटे से ज्यादा रह रहा है तो फिर आप अपने सिर से माइग्रेन समझ करके ट्रीट ना करें। बहुत से लोग दर्द की गोलियां खा लेते हैं, और जो माइग्रेन के पेशेंट्स, अगर सरदर्द माइग्रेन के पेशेंट्स में हफ्ते में एक बारी से कम हो रहा है, जैसे महीने में दो बारी हो रहा है, तो चिकित्सक उनको यही कहेंगे कि आप जब दर्द हो तो ये दर्द की गोली खा लें और कुछ डूज एंड डोंट्स हैं वो फॉलो करें। ज्यादातर जनरल प्रैक्टिशनर्स माइग्रेन को डायग्नोज करने में सक्षम होते हैं, और माइग्रेन के पेशेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर हम माइग्रेन के पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिस्ट अगर सिर्फ देखना शुरू करें तो कभी सारे पेशेंट देखे ही नहीं जा सकते, इतनी ज्यादा है संख्या सोसाइटी में। तो पहले आपको अपने जीपी के पास जाना चाहिए, और अगर माइग्रेन, वो कहते हैं कि ये माइग्रेन तो है लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, सरदर्द काबू में नहीं आ रहा है, तब आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। INT इन स्पेशलिटी से कहानी शुरू नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। पहला जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो आपका जनरल फिजिशियन होना चाहिए, और उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए, और ये दो अगर कहें कि आपको ENT, आई या और किसी स्पेशलिटी की जरूरत है तो आप उसके हिसाब से जाएं। और इसमें सिर्फ आई ENT नहीं, डेंटल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, इन सब का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन वो क्रॉस रेफरल या तो GP करेगा या न्यूरोलॉजिस्ट करेगा। अगर जीपी को समझ में नहीं आएगा तो वो ऑटोमेटिकली न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देगा पेशेंट, लेकिन अगर आपको आराम आ गया है जीपी के इलाज से तो आप वहीं पे टिके रहें। डॉक्टर द्विवेदी, ये माइग्रेन के कॉजेस आर दे ऑलवेज रेगुलर या कोई सीवियर कॉजेस की वजह से भी जो हेडेक होता है उसको माइग्रेन भी बोल सकते हैं? कई बार जैसे मैंने माइग्रेन के लिए कुछ बताया कि 50 के बाद माइग्रेन शुरू नहीं होता है, 24 घंटे से ज्यादा सरदर्द नहीं रहता है माइग्रेन में, ये जो मैंने आपको बताया, ये इसके अलावा कई बार क्या होता है कि माइग्रेन लाइक हेडेक ब्रेन ट्यूमर में भी हो सकता है, लेकिन वो 24 घंटे में ठीक नहीं होगा, वो लगातार बना रहे। माइग्रेन का हेडेक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये माइग्रेन है तो ये 24 घंटे के भीतर शांत हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस 3 दिन तक नहीं रहेगा, रेयरली 3 दिन तक भी रह सकता है, बट दैट इज अ रेयर सिचुएशन। और उसके पहले एक न्यूरोलॉजिस्ट या जीपी अगर माइग्रेन जैसा हेडेक 24 घंटे से ज्यादा बना हुआ है तो वो चाहेगा कि एक सीटी स्कैन करा ले। डज अ पेशेंट नीड टू लिव विद माइग्रेन? जैसे आपने कहा कि यंग एज में 40 से पहले तक जो हेडेक रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और एक पैटर्न बन जाता है, दे प्रोबेबली नो कि माइग्रेन शुरू होने वाला है। और मैं खुद पर्सनली जानती हूँ इतने सारे लोग जो कंप्लेन करते हैं माइग्रेन है, कई कई लोगों को इतनी सीवियर है कि एक या दो दिन प्रोडक्टिव ही नहीं हो पाते हैं बिकॉज दे कैन नॉट इवन स्टेप आउट ऑफ द रूम, अंधेरा करके अपने मेडिसिन खा के। तो क्या इन सब चीज़ों की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर नहीं है क्या?
माइग्रेन का जो सबसे पहले इलाज का पहलू होता है वो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन, वो सबसे जरूरी है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो दवाइयों से सिर्फ अगर इलाज करेंगे तो एक तो रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज्यादा दवा कंज्यूम करनी पड़ेगी और उनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो जो चीजें लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है मैं ब्रीफली बता दे रहा हूं, वो ये कि तेज धूप से बचना है, बहुत देर तक खाली पेट नहीं रहना है, आपके खाने का समय निश्चित निर्धारित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, उसी समय आप अपना खाना खा लें, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, भले ही क्वांटिटी मात्रा कम हो लेकिन खाना है रेगुलर इंटरवल में, ब्रेकफास्ट लंच डिनर एटलीस्ट 3 times a day। तीसरा आपका सोने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए, वो आप डिसाइड कर लें 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 जो भी टाइम आप डिसाइड कर लें, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, रोज उसी समय आपको सोना है। चौथा जो है वो कुछ खाने के रिस्ट्रिक्शन हैं, जैसे चीज, चाइनीज, चॉकलेट, टू मच ऑफ टी और कॉफी, टेट्रापैक में जो खाना होता है जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो, पनीर या दही जो 24 घंटे से ज्यादा पुराना हो जाता है, घर का बना हुआ फ्रेश ठीक है लेकिन पुराना नहीं होना चाहिए। सो चीज नहीं खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं बशर्ते वो फ्रेश हो। उसके बाद जितने भी ये मीट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी सीजनिंग होती है, जो पैक्ड होते हैं, वो भी सर दर्द का कारण होते हैं, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है जो कि सर दर्द करता है। उसके बाद बहुत ज्यादा ठंडी या गर्म हवा आपके सिर में लगेगी तो भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो बहुत से लोग ये नहीं समझते हैं कि उनके वर्क प्लेस या उनके घर पे जो एसी है या हीटर है उसकी हवा डायरेक्टली सिर पे लग रही। एसी चलाना ठीक है, हीटर भी चलाना ठीक है, लेकिन उसका जो ब्लो है वो आपके सिर पे नहीं आना चाहिए एयर का। अगर वो होगा, कार में बैठे हैं आपने एसी का वेंट अपने चेहरे की तरफ कर लिया, माइग्रेन का ट्रिगर हो सकता है। उसके बाद सर को झटका किसी भी प्रकार का लगेगा, आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, दौड़ते भागते चढ़ रहे हैं या उतरते दौड़ते हुए उतर रहे हैं, अगर फास्ट उतरेंगे तो बॉडी को सिर को जर्क लगेगा, वो जर्क जो है वो माइग्रेन का ट्रिगर हो सकता है। एक चीज और, जो नींद की मैंने कहा कमी या स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस, ये तो एक कारण है, एक्सेस ऑफ स्लीप ऑल्सो कॉजेज माइग्रेन, कैन ऑल्सो ट्रिगर। इसलिए बहुत से लोग जो सैटरडे को सोचते हैं कि हम संडे देर से उठेंगे, लंबी नींद कैचअप स्लीप करेंगे, दे आर मोर प्रोन एंड वल्नरेबल टू गेट एपिसोड्स ऑफ माइग्रेन द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे गेट अप। इसलिए जरूरी है कि नींद आपकी अगर 8 घंटे की है तो वो एक निश्चित समय पे ही रोज होनी चाहिए। ये कुछ जो मैंने कहा ट्रिगर्स, इन ट्रिगर्स को अगर आप अवॉइड करते हैं तो शायद आपको दवा की आवश्यकता कम पड़ेगी। और मैंने देखा है जो डायट्री रिस्ट्रिक्शंस और लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हैं, एक चीज और मैंने खाने में एक चीज और भूल गया, अल्कोहल, अल्कोहल ऑल्सो ट्रिगर्स माइग्रेन। जो लोग इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हैं उनको दवाओं की जरूरत कम होती है, SOS मेडिकेशन विच आर मेनली पेन किलर्स एंड सम अदर SOS माइग्रेन ड्रग्स, वो जो उनकी आवश्यकता है कम पड़ती है। दूसरा, जब सरदर्द हर सप्ताह में एक बार होने लग गया, एक से ज्यादा बार होने लग गया, एक या एक से ज्यादा बार प्रति सप्ताह होने लग गया, तो ये इस बात का सूचक है कि अब रेगुलर एंटी माइग्रेन ड्रग कुछ समय के लिए, महीने डेढ़ महीने के लिए देने की आवश्यकता है, जिससे कि माइग्रेन की जो इंटेंसिटी बढ़ गई है वो शांत हो जाए, उसके बाद फिर उन दवाओं को विड्रॉ करके लाइफस्टाइल एंड SOS मेडिकेशन पे छोड़ देते। फीमेल्स में ये देखा जाता है कि जैसे जैसे मीनोपॉज के पास, और मीनोपॉज जब हो जाता है उसके बाद यूजुअली माइग्रेन जो है वो लेडीज में कम हो जाता है। वैसे भी माइग्रेन लेडीज को ज्यादा सब बॉदर करता है एज कंपेयर टू मेन, तो लेकिन मीनोपॉज होने के बाद माइग्रेन की खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, लेकिन मीनोपॉज जब महामारी रुक जाती है 45-50 उम्र के बीच में, तब जा करके माइग्रेन जो है वो कम परेशान करता है। डॉक्टर द्विवेदी, हमारे पास
काफी सवाल आ रहे हैं, तो पहले मैं ना एक के बाद एक इन सब कम्युनिटी के सवालों को ले लेती हूँ। कॉमन वाले हैं, किरण रावल कहती हैं, मैं एक महीने से सिर के पिछले हिस्से में मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? गिरीश भाई बोलते हैं, सर मेरी वाइफ को भी पिछले सर के पिछले हिस्से में बहुत बहुत दर्द हो रहा है, उसका क्या कर सकते हैं? सुशांत दास कह रहे हैं, सर मुझे कंटिन्यू हेडेक लगता रहता है, क्या करूं? तो अगर ये आप इकट्ठे कर लें, देन आई लास्ट द अदर क्वेश्चंस। सो सरदर्द अगर 1-1.5 साल से ऊपर हो गया, तो आप ये मान के चलें कि अगर कोई खतरनाक कारण होता तो अभी तक आप बातचीत नहीं कर रहे होते, अगर 1-1.5 साल से ऊपर हो गया है सरदर्द। लेकिन अगर सरदर्द अभी रीसेंट है, आप कह रहे हैं पिछले 1 महीने से है और 1 महीने से लगातार रोज है, तो ये एक सिचुएशन है जहां पे सीटी स्कैन होना चाहिए और एक कंसल्ट होना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट के साथ। लेकिन अगर आप वही पीछे का सरदर्द कोई मुझे बताए कि मैं पिछले 5-6 साल से ऐसा सरदर्द अनुभव कर रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि 5-6 साल में कोई भी खतरनाक कारण जो है इस इंसान को मेरे से बात करने की हालत में नहीं छोड़ता। तो ड्यूरेशन अगर शॉर्ट है और हेडेक परसिस्टेंट है, तो एक कंसल्ट डॉक्टर से होनी चाहिए। चूंकि वो मेरे सामने नहीं है तो मैं कह नहीं सकता, उनका एग्जामिनेशन होना चाहिए, एग्जामिन डॉक्टर करके शायद सीटी स्कैन के लिए कहें तो वो करा लेना चाहिए। ओल्ड हेडेक्स यूजुअली डोंट रिक्वायर ए स्कैन, बट न्यू हेडेक्स दे डू। इस समय पे मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अगर आप डॉक्टर द्विवेदी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फैम हेल्थ पे लिख सकते हैं, या विमेंस नियति हॉस्पिटल्स में वो प्रैक्टिस करते हैं, आप वहाँ जाके आप उनसे जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी सवाल लिख सकते हैं माय फैम हेल्थ पे, एंड हम उनसे आपका मीटिंग जरूर फिक्स करवाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर द्विवेदी और सवाल हैं। अविनाश दास कहते हैं, सर मेरे सर के पीछे थोड़ा दर्द होता है और आते आके चला जाता है और फिर मैं सो नहीं पाता। मोनूस कहते हैं, मेरे ब्रेन के ऊपर दोनों साइड में पेन होता है, बोलने खांसने हंसने पर ज़्यादा होता है, दबाने पर और ज़्यादा होता है, सोने पर आराम रहता है, प्लीज़ हेल्प मी। अच्छा, एक सरदर्द का और एक और वैरायटी है सरदर्द की, जो सेकंड कॉमनेस्ट वैरायटी है, माइग्रेन जो है उसी तरह से एक दूसरा सरदर्द होता है जिसको टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं। इसका भी लक्षण बताना जरूरी है क्योंकि ये कम्युनिटी में बहुत फ्रीक्वेंट है और कई सारे सवाल जो है उनका उत्तर इसी से मिल जाएगा। अभी मैंने माइग्रेन के लक्षण बताया, जो टेंशन टाइप हेडेक होता है वो या तो सिर में आगे की तरफ होता है अमूमन फोरहेड और साइड्स, या गर्दन में और कंधे पे, और कई बार ये कंधे गर्दन और कंधे में होने की वजह से लोग इसे सर्वाइकल समझ लेते हैं, सर्वाइकल स्पाइन का दर्द समझ लेते हैं, लेकिन इसका कैरेक्टर बड़ा टिपिकल होता है। ये एक होता है, जकड़न सी महसूस करता है, ऐसे लगता है सर जकड़ा हुआ है, गर्दन और शोल्डर जकड़ी हुई है, और चूंकि यहाँ जकड़न होती है लोग एमआरआई करा लेते हैं, और एमआरआई में अगर कुछ निकल दिख गया, क्योंकि मैंने मतलब अगर आप 10 लोगों का जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है एमआरआई कराएं, तो 10 में से रिपोर्ट 9 की एबनॉर्मल आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होगा विद पैसेज ऑफ टाइम, उसको रेडियोलॉजिस्ट मेंशन कर देगा जिसे आप समझेंगे कि यही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ही कॉज है। लेकिन वो कॉज क्या होता है कि इस टेंशन टाइप हेडेक का जो टेंशन शब्द है वो मेंटल टेंशन का सूचक नहीं है, उसका मतलब यह है कि जो ये मांसपेशियां हैं सर की फोरहेड की टेम्पल की नेक की, जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, और वैसे भी जिनका नेचर स्ट्रेस लेने वाला, वो इट गोज इनटू अ स्टेट ऑफ स्पैज्म, ये थोड़ी सी अकड़ जाती है। वो अकड़न जब बहुत घंटों तक रहती है, उसके बाद से उस आदमी को वो सरदर्द या तो सिर में सर दर्द या सिर के पीछे वाला दर्द महसूस करते हैं, और टिपिकली कहेगा ऐसा लगता है सर भारी है, जकड़ा हुआ है, और अगर मैं मान लिया पीठ पे कोई थोड़ा मसाज कर दे तो आराम मिल जाता है। ये जो
दर्द है ये भी इसको टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं, विच इज वन ऑफ द टू. अगर मीग्रेन एंड टेंशन टाइप हेडेक टुगेदर कवर्स ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द कॉजेज ऑफ हेडेक. और इसको एक डिस्टिंक्ट पेशेंट को समझ में पता रहना चाहिए, क्योंकि ये काफी कॉमन है कम्युनिटी में. अब जहां तक इन्होंने कहा सिर के पीछे वाले भाग में दर्द है, ये हो सकता है टेंशन टाइप हेडेक हो, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर ये सरदर्द इनको वर्षों से है, फिर मैं दोहरा रहा हूं इसी बात को, तो मैं इसको टेंशन टाइप हेडेक बहुत कॉन्फिडेंटली लेबल कर पाऊंगा. लेकिन अगर कोई कहता है ये पिछले 3 हफ्ते से है, 4 हफ्ते से है, तो फिर मैं इन्वेस्टिगेट करके सब नॉर्मल होगा तभी ये मानूंगा कि ये टेंशन टाइप, तभी लेबल करूंगा टेंशन टाइप हेडेक, जो कि मेडिकेशन अवेलेबल है, डॉक्टर आपको दवा दे देंगे, लेकिन उसके अलावा टेंशन टाइप हेडेक रिस्पॉन्ड्स वेरी वेल टू योगा एंड प्राणायाम. योगा प्राणायाम से चूंकि रिलैक्सेशन होता है, मसल स्पैज्म कम हो जाता है, उसकी वजह से आपको बेनिफिट जो आप खुद कर सकते हैं वो है योगा प्राणायाम, टाइम से सोना, टाइम से खाना. और अगर ये रिलीव नहीं हो रहा है, ज्यादा आपको पेन किलर्स की जरूरत पड़ रही है, तो जाकर के आप अपने डॉक्टर से मिले विद, तो आपको हो सकता है चार, जैसे मैंने माइग्रेन के लिए कहा 4-6 हफ्ते की दवाइयां देंगे वो, और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा. इस बीच आप अपना योगा और प्राणायाम वगैरह शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका आपकी मांसपेशियां हर समय अकड़न में ना रहे. और वो मांसपेशियां अकड़न में इसलिए रहती हैं क्योंकि आप हर समय स्ट्रेस रहते हैं. कई बार आप पूछें, आपको, हमें तो कोई टेंशन नहीं है डॉक्टर साहब, ये बड़ा कॉमन होता है, हमें तो कोई ऐसी, उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये अंदेशा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, यही आदमी को स्ट्रेस में रखता है. और उस स्ट्रेस की वजह से वो इतना ज्यादा बिल्डअप हो जाता है कि सारी मांसपेशियां कंधे की, गर्दन की, फोरहेड की, टेम्पल की, ये सारी स्पैज्म में चली जाती है. डॉक्टर दीदी, एक लास्ट सवाल लेती हूँ. भगत है कोई, वो कह रहे हैं कि मेरा हेड पेन होता है बहुत, बहुत से डॉक्टर को दिखाया, बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब मैं कुछ खाता हूँ तो हेड दोनों साइड फूल जाता है, सर और आंख बहुत भारी भारी सी लगती है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बीमारी तो नहीं है? माइग्रेन के केस में मैंने कहा जो सरदर्द होता है वो थ्रॉबिंग होता है, पल्सेटिंग होता है. वो जब पल्सेशन होता है तो दोनों तरफ अगर आप उस समय उंगली अपने यहाँ पे रखें तो जो आर्टरी है, खून की जो नली है, धमनी है, वो ठक 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 इस तरह से पल्सेट कर रही होती है, जिसको बहुत से पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे यहाँ पे स्वेलिंग सी फील होती है दोनों तरफ माइग्रेन में. और जब सरदर्द कम हो जाता है, माइग्रेनस प्रोसेस सेटल कर जाता है, तो उस समय वो फिर नॉर्मल पल्सेशन आ जाती है. जो दूसरी चीज है खाने की वजह से, फूड से एसोसिएशन हेडेक का तभी होता है जब आप ऐसा कोई खाना खाते हैं जो इसका ट्रिगर हो. तो क्योंकि फूड से एसोसिएशन माइग्रेन का बड़ा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, तो देखना ये पड़ेगा कि इनके स्टेपल फूड में जो ये रेगुलर खाते हैं कहीं कोई ऐसी खाने की चीज तो नहीं है जो माइग्रेन ट्रिगर हो. एक तो इनको ये ध्यान देना होगा, मैंने कुछ चीजें बताई थी अभी खाने की चीजों में जो ट्रिगर कर सकती हैं, एक दिन या ये ध्यान देना होगा कि क्या कोई विशेष चीज जिस दिन खाते हैं उसी दिन सर दर्द होता है. अगर वो ट्रिगर को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इसको डील करना आसान हो जाए. कुछ ट्रिगर नोन है, पनीर अगर फ्रेश है तो नहीं होगा, पुराना है तो हो सकता है. और दूसरा इनको ये देखना होगा कि क्या ये अल्कोहल लेते हैं रोज इवनिंग में. अगर वो इवनिंग में अल्कोहल लेके तब खाना खाते हैं तो हो सकता है खाना नहीं अल्कोहल रिस्पॉन्सिबल. डॉक्टर दीदी, आपने टेम्पोरल हेडेक्स बताए, आपने दो चीजें बताना और चाहूंगा हेडेक से रिलेटेड जो कि कॉमन मिसकंसेप्शन है. बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा तो जी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हेडेक हो जाता है, दवा ले लेते हैं ठीक हो जाते हैं. और कई लोग अपने ब्लड प्रेशर की दवा किस दिन लेनी है और किस दिन नहीं लेनी है हेडेक से ही डिसाइड करते हैं कि आज हेडेक है तो हमने ले लिया, नहीं हेडेक है तो नहीं लिया. ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है. ये जो लोग समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर इज ए कॉज ऑफ हेडेक,
unless and until the blood pressure is very high, बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर, जैसे 200 बटा 120 इस तरह का अगर नहीं हुआ ब्लड प्रेशर, तो 150-100 में हेडेक जो है वो कारण नहीं है ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट ए कॉज ऑफ हेडेक अनलेस एंड अंटिल इट इज वेरी हाई. तो पहली बात तो ये कि ये जो चीज है ये बड़ी खतरनाक है. आप पता चला कि ब्लड प्रेशर हाई है, आपको सरदर्द नहीं है, आपने दवा उस दिन मिस कर दी, वो फिर ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकता है. इसलिए प्लीज प्लीज ये स्ट्रेटजी ना रखें कि हम उसी दिन दवा खाएंगे जिस दिन सरदर्द होगा और बाकी के दिन दवा नहीं खाएंगे. एक तो ये और दूसरा लोग ये भी मानते हैं कि रिफ्रैक्टरी एरर यानी कि जो चश्मा लग जाता है पावर वाला जैसे मैंने पहना हुआ है ये भी शायद एक हेडेक का कारण है. सिर्फ पावर वाला पावर की अगर आंख को जरूरत पड़ गई है सिर्फ वही हेडेक का कारण नहीं होता है अनलेस एंड अंटिल आपको पढ़ने का चश्मा लगा हुआ है और आप उसको यूज किए बिना पढ़ाई कर रहे हैं और आंखों पे जोर दे रहे हैं. ये अगर सिचुएशन है तब तो हम ये मानेंगे कि ये चश्मे की वजह से है, लेकिन अमूमन चश्मे की वजह चश्मे के ना लगने की वजह से सरदर्द नहीं होता. खास करके जो माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक जो कि मैंने अभी बताया था 15 से 45 के उम्र के बीच में शुरू होता है, बच्चों को कई बार सरदर्द होता है, पेरेंट्स चश्मा सोचते हैं कि पढ़ाई स्कूल जा रहे हैं और चश्मा ना लगने की वजह से ये सरदर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि बच्चों को ज्यादातर जो पावर की जरूरत होती है वो दूर के देखने की पावर की जरूरत है, नजदीक का चश्मा उनको नहीं लगता. नजदीक का चश्मा यूजुअली 40 साल के बाद लगता है. तो बच्चों को हेडेक का चश्मा ना लगना एक कॉमन कारण नहीं, लेकिन लोग यूजुअली आंख का पावर और ब्लड प्रेशर इसको कारण मानते हैं जो नहीं है. ये बताना जरूरी है क्योंकि अगर आपको सरदर्द रह रहा है और आपने सोच लिया कि मुझे ब्लड प्रेशर है इसलिए सरदर्द है, यू माइट बी रॉन्ग. डॉक्टर, आपने दो तीन टाइप के हेडेक्स बताए. सिंगल साइड पे अगर पेन हो रहा है लेफ्ट और राइट, उसका क्या कॉज हो सकता है एंड वुड इट कुड इट आल्सो बी माइग्रेन? माइग्रेन के जो कॉमन जिसको हम कॉमन माइग्रेन कहते हैं वो यूजुअली दोनों तरफ होता है, लेकिन दूसरा एक माइग्रेन की वैरायटी है क्लासिकल माइग्रेन. क्लासिकल माइग्रेन इज यूजुअली द हेडेक इज ऑन वन साइड और क्लासिकल माइग्रेन में ज्यादा चांस है जो मैंने अभी कहा कि नजर धुंधली हो जाना, वो एक माइग्रेन के साथ क्लासिकल माइग्रेन के साथ कॉमन है. सो क्लासिकल माइग्रेन में यूनिलैटरल हेडेक यानी एक तरफ का सरदर्द, थ्रॉबिंग, नौसिया, डिसलाइक फॉर लाइट एंड साउंड एंड दीज फोर्टिफिकेशन लाइंस, ये आंखों के ऐसा लगता है जैसे आप किसी टूटे हुए कांच के थ्रू जैसे विजन आती है उस तरह का, जैसे एक शीशा लगा हुआ है खिड़की में अगर वो टूट गया उसके उससे जिस तरह की विजन आती है चनके हुए शीशे के भीतर उस तरह का विजन हो जाता है. तो ये क्लासिकल माइग्रेन है, इट इज वन ऑफ. लेकिन जो कॉमन माइग्रेन है जो ज्यादातर लोगों को होगा वो पूरे सिर में, कभी राइट होगा कभी लेफ्ट होगा कभी दोनों तरफ होगा, लेकिन क्लासिकल माइग्रेन में यूजुअली एक साइड में होता है और वो साइड भी यूजुअली सेम ही रहता है हर बार अटैक आता है. डॉक्टर जी, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि माइग्रेन के इतने सारे पेशेंट्स हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट देख नहीं पाएंगे, इतने ज्यादा तादाद है हेडेक्स के प्रॉब्लम की. सो इज इट कल्चरली समथिंग दैट वी आर डूइंग और व्हाट इज द प्रॉब्लम, इतने माइग्रेन क्यों होते हैं हमारे देश में? माइग्रेन के एक तो ये कि हम लोगों के कंट्री में प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाने लगे हैं लोग. So processing of food is one of the reasons why migraine has increased in the community. जो दूसरी चीज देखी गई है कि migraine is more common in educated upper strata of the society and those who are intellectuals. It is less common in those who are blue collar workers. तो कहीं ना कहीं lifestyle का impact है और जितना हम प्रोसेस्ड फूड खाएंगे जितना हम अपने को
एक्चुअली क्या होता है, जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, अपर स्ट्राटा के हैं, वो अपने को नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं उनसे दूर रख करके अपनी बॉडी को सेंसिटिव बना लेते हैं। तो थोड़ी सी तेज रोशनी, थोड़ी सी आवाज हमें बहुत परेशान करती है। अब कल को ही मैं मान लिया, एक आप चले जाएं, कल बहुत ज्यादा जैम था और मैं देख रहा था रास्ते पे लोग मोटरसाइकिल पे भी जा रहे हैं, ऑटो पे भी जा रहे हैं, मैं कार में बैठा हुआ था, कुछ पैदल भी चल रहे हैं। पैदल चलना तो शायद मैं भूल सा गया हूँ, रास्ते में पैदल चलूं, ज्यादातर वक्त तो मैं कार से चलता हूँ। तो मेरी बॉडी, अगर कल को मुझे पैदल चलना पड़े सड़क पे, दैट माइट बी इनफ ट्रिगर टू कॉज ए माइग्रेन इन ए पर्सन हु इज वल्नरेबल टू माइग्रेन। नहीं, अब उसमें यह है कि आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे नेचुरल एलिमेंट से दूर करके बहुत सेंसिटिव बना देते हैं। तो थोड़ा सा ब्राइट, थोड़ी सी ब्राइट लाइट, थोड़ी सी आवाज, थोड़ी सी धूप आपके सिस्टम को में माइग्रेन का कैस्केड जो है उसको ट्रिगर कर देती है माइग्रेन। तो अपर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, एजुकेटेड अर्बन पीपल आर मोर वल्नरेबल देन दोज हु आर रूरल, हु आर इन सेक्टर्स लाइक फार्मिंग and who are exposed to natural forces and who are having unprocessed food, they are the people who are less vulnerable to migraine. Dr. Vedi, आपने बोला कि आमतौर पे headaches mild है तो painkillers का इस्तेमाल commonly किया जाता है। painkiller के सिवा अगर हम normal चीजों की वजह से अगर headache हो रहा है तो उसको कैसे relieve कर सकते हैं, कोई exercises से या कोई tips हैं जो हम use कर सकते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ मिले? जो ये माइग्रेन टेंशन हेडेक दोनों का जो ट्रिगर होता है ज्यादातर नेक के ऊपर, जो हमारा एरिया है गर्दन के ऊपर, अगर हम कोई भी स्टिमुलेशन देंगे, हमारा कोई भी स्टिमुलेशन का मतलब हो गया आंखों को अगर लाइट मिलेगी, कानों को अगर साउंड मिलेगा, स्किन को अगर इरिटेशन होगी, ये सारे ट्रिगर्स हैं जो हेडेक को वर्स करते हैं। अगर आप एक अंधेरे कमरे में जहां नॉइज ना हो वहां जा करके एक दो घंटे के लिए अगर आप सो जाएंगे, हेडेक शांत हो जाएगा, क्योंकि आपको लाइट वहां पे विजुअल स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है, ऑडिटरी स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है, आप शांति से एक अंधेरे कमरे में करेक्ट टेम्परेचर पे अगर एक दो घंटे के लिए लेट जाएं, दैट विल help in soothing down the migraine triggered points inside the brain and that itself will take care of your headache. So usually sleep in a dark, quiet and air conditioned room is the best treatment. Is there a common thought ki headache ko starve karna chahiye ya feed karna chahiye? Usme koi फीड करना चाहिए, स्टार्व बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्टार्विंग से वो वर्स हो जाता है। और खाना, लेकिन ऐसा खाना चाहिए जो खुद ट्रिगर, जो अभी हमने बात की थी, हेडेक ट्रिगरिंग फूड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फीडिंग इज इम्पोर्टेंट। इफ यू रिमेन हंग्री, हेडेक विल बिकम वर्स। एंड डॉक्टर वेदी, एज यूजुअल थैंक यू सो मच, इतने सरल तरीके से आपने क्लियर करे हैं हमारे डाउट्स। होपफुली लोग समझे कि बेसिक कॉमन माइग्रेन और बेसिक हेडेक की जो ट्रिगर्स हैं वो फूड, स्लीप और अच्छे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। तो अगर ये थोड़ी सी चीजें लोग पालना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंसेस कम हो जाएंगे हेडेक्स के। सिवियरिटी लाइक यू सेड कि अगर कंसिस्टेंट है, कंटिन्यूस है हेडेक्स और आते जा रहे हैं अब नॉर्मली तरीके से, तो दे शुड गो एंड एंड सीक इंटरवेंशन, इमीडिएट इंटरवेंशन एंड मे बी गेट अ सीटी स्कैन डन, मीट अ न्यूरोलॉजिस्ट। वन लास्ट पॉइंट वो ये है कि जैसे कोई इंसान जिसको माइग्रेन होता रहता है, उसको अगर टूथएक भी होगा तो माइग्रेन ट्रिगर हो जाएगा, उसको अगर ईयर एक भी होगा तो भी माइग्रेन। एनी स्टिमुलेशन अबव नेक इन अ पेशेंट हु इज प्रोन टू माइग्रेन विल ट्रिगर माइग्रेन एज वेल। So, जब तक रूट कॉज जो डेंटल प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट होगी, माइग्रेन भी ठीक नहीं होगा। सो एनी इलनेस विच इज कॉजिंग पेन अबव नेक विल ट्रिगर माइग्रेन
a person who is vulnerable to it. So that those factors also sometimes you have to see, and that can be the reason why the person is having migraine very often. तो आपके जीपी या न्यूरोलॉजिस्ट वो आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ पब्लिक लोगों को कि आप भी ध्यान रखें कि हाँ मुझे, क्योंकि कई बार पेशेंट आके उनके ईयर डिजीज की बात नहीं कहते, अपने साइनस की प्रॉब्लम की बात नहीं कहते, जबकि साइनस इज अनदर वेरी कॉमन कॉज ऑफ हेडेक, साइनसाइटिस, लेकिन उसमें नाक बंद होगी, जुकाम बार बार होते होंगे, नाक के अंदर ब्लॉकेज होगी, और वो जो साइनस हेडेक है वो साइनस हेडेक के अलावा अगर उस इंसान को मीग्रेन रहता है तो वो भी ट्रिगर करेगा. सो जब आप साइनस का ट्रीटमेंट करेंगे तो अपने आप मीग्रेन भी कम परेशान करेगा. सो एनी पेनफुल कंडीशन अबव नेक कैन ट्रिगर मीग्रेन, एंड एनी पेनफुल कंडीशन विच आई विल जस्ट क्विकली एन्यूमरेट, साइनसाइटिस, आंख में इंफेक्शन, कान के भीतर ओटाइटिस मीडिया, कान के भीतर का इंफेक्शन, थ्रोट इंफेक्शन जो कि कान में चला जाता है स्टैचिन ट्यूब के थ्रू, वो ये सारे हेडेक कर सकते हैं. लेकिन चूंकि ये सारी बीमारियां टेम्पररी हैं, ये टेम्पररी हेडेक्स होते हैं. साइनसाइटिस में एक चीज ये है कि साइनसाइटिस कई बार क्रॉनिक होता है, एलर्जिक साइनसाइटिस होता है, उस आदमी को साइनस की प्रॉब्लम बार, तो वहां पे जो हेडेक होगा एक तो फोरहेड में होगा और दूसरा आंख के नीचे चीक वाले एरिया में होगा, इस एरिया और इस एरिया में वो सर दर्द होगा, और उस आदमी का कंप्लेन होगा कि मुझे बार बार जुकाम होता है, नाक ब्लॉक रहती है. और कई बार क्या होता है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी होता है, नहीं तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट चलता रहता है, अनआइडेंटिफाइड साइनसाइटिस माइग्रेन को भी ठीक नहीं होने देता. तो एनी पेनफुल कंडीशन अबव नेक कैन बी अ ट्रिगर ऑफ माइग्रेन विच नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड सो दैट वन कैन गेट रिलीफ फ्रॉम बोथ. सो लाइक यू सिंपली एक्सप्लेन कि अगर ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो आपको खुद बारीकी से इंस्पेक्ट करना होगा कि क्या क्या चीजें हैं जो ट्रिगर करती हैं. जैसे ही आप उनको एलिमिनेट करना शुरू कर दें और एक लाइफस्टाइल पे फोकस करें तो काफी फायदा होता है, हेडेक से काफी आराम मिलता है. थैंक यू सो मच डॉक्टर द्विवेदी फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड बीइंग ऑन द शो. थैंक यू.